अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका? बिल्कुल ठीक है। आई होप आपके घर वाले, आपकी फैमिली में सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हर बार हम शॉपिंग वीडियोस ही बना रहे होते हैं और गपशप लगा रहे होते हैं और मीन्स कि ये बता रहे होते हैं कि जी मैंने ये चीज़ बाय की और मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसका मींस के रिव्यू दे रही होती हूँ कि कैसी है, कैसी लगेगी, आप अगर बाय करें तो आपके लिए रिकमेंडेड है या नहीं। ठीक है, ये तो मेरे प्रोस्पेक्टिव से होता है या मेरा रिव्यू होता है। बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि हर एक को वो चीज़ जो है वो अच्छी ना लगे या बहुत अच्छी लगे। ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन हर हर इंसान की क्योंकि चॉइस डिफरेंट है तो वो फिर बाय भी डिफरेंट कर रहा होता है। और मे बी मुझे जो ब्रांड अच्छा लग रहा है वो आपको अच्छा ना लग रहा हो, या मैं जहाँ से परचेजिंग करती हूँ वो आप ना वहाँ से करना पसंद करते हो, या मे बी समथिंग कोई भी डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी बेस पे आपकी परचेजिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है मुझसे। ठीक है, तो रिगार्डलेस के ये कोई फाइनल चीज़ नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि वही अच्छी चीज़ है और आपको वही बाय करनी चाहिए। आपको लगता है कि आप जो चीज़ लेके यूज़ कर रहे हो वो अच्छी है और मुझे उसका रिव्यू करना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होंगे या बहुत सारी ऐसी शॉप्स होंगी जहाँ से मैंने तो कभी शॉपिंग नहीं की होगी या मैंने वो मे बी अभी यूज़ ना किए हो, तो आप मुझे ज़रूर रिकमेंड करें कि मुझे नेक्स्ट जो है वो किस चीज़ को लेकर उसका रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो और आपको मेरी अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, और मुझे भी सपोर्ट करें अल्टीमेटली। ठीक है, तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है, लाइक करना ज़रूरी है, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ अच्छा लग रहा है, अप्रिसिएशन है, तो वो भी ज़रूर शेयर करें। ज़ाहिर है उससे इंसान में इनक्रेज होता है इंसान और अच्छा करने की कोशिश करता है या जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आने की कोशिश करता है। अभी तो मैं कभी कभी वीडियो बना रही होती तो मुझे लग रहा होता है ये ना हो कि आप लोगों को अच्छी ना लग रही हो, तो फिर मतलब वो कहते हैं ना एक मोटिवेशन वो आपके जो है ना कमेंट से आती है या लाइकिंग से आती है। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली फिर से शॉपिंग से रेलिवेंट ही है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होगे कि ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स ने बहुत अच्छी प्राइसेस में ना सेल ऑफर की हुई है, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जब आप आउटलेट पे विजिट करते हो कि जो बेसिकली आपको कुछ स्पेसिफिक जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको 50% पे भी मिल रहे होते हैं, मीन्स के वो आपको ज़्यादा अच्छी एक अट्रैक्शन दे रहे होते हैं। तो ज़रूर अगर कभी जब सेल्स का आप सुनते हो तो आप ज़रूर विज़िट किया करो ब्रांच पे, उनके आउटलेट पे जाके आप देखा करो कि भी ये चीज़ अगर आपको लग रहा है कि वो जो वन पीस है समटाइम ऐसा होता है कि वो आपके साइज़ का भी हो सकता है या आपके फैमिली मेम्बर में से भी किसी के साइज़ का हो सकता है, तो आप वो ज़रूर ले लो। और ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर विंटर में शॉपिंग कर रहे हो तो वो विंटर के लिए ही हो। ठीक है, समटाइम आपको मतलब नेक्स्ट उस सीज़न में भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो बस इसमें ये बेनिफिट ये होता है कि आपको सेल में से अच्छी चीज़ मिल जाती है और आपकी जो है ना नेक्स्ट उसमें भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो मैं शॉपिंग दिखाऊंगी आपको, बेसिकली इट्स अ गुल अहमद। ठीक है, गुल अहमद ने भी बहुत मैसिव सेल लगाया हुआ था और ऑलमोस्ट सब चीज़ों पे 40 से 50% ऑफ तक भी लगाया हुआ था। ऑल दो इनकी होम के जो सेक्शन है जिसमें बेडिंग हो गया, कंफर्टर्स हो गया, ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इनके फ्लीस जो ब्लैंकेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो लेकिन आई थिंक थोड़ा सा प्राइस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर अगर आप कहीं और इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे चेक कर रहे हो तो उनसे थोड़ी सी, लेकिन ये कि रिलायबिलिटी होती है कि एक अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, तो जब आप सेल में से इस तरह की चीज़ें ले रहे हो तो आपको कम प्राइस पे मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा अभी अभी जो बेसिकली मैंने ड्रेस पहना हुआ है इट्स फ्रॉम बातिक, और ये आई थिंक इनका विंटर इसी सीज़न का था, मीन्स के 2021 का था, अब तो खैर 2022 स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो ये 2021 आई थिंक मैंने नवंबर में बाई किया था इसको। तो ये बातिक से बातिक आप बिल्कुल जो लोग इनसे फेमिलियर होंगे वो ज़रूर जानते होंगे, अच्छा ब्रांड है। बट आई थिंक कि मैंने विंटर में फ़र्स्ट टाइम बाई किया था तो मुझे एज़ कम्पेयर अदर ब्रांड्स कुछ बहुत ज़्यादा
वो नहीं लगा, मतलब मेरे प्रोस्पेक्टिव से मुझे नहीं लगा कि ये बहुत आउट क्लास है। हाँ, और इसका मुझे डिज़ाइन इस ड्रेस का बहुत अच्छा लगा था, तो इस वजह से मैंने इसको वहाँ से बाई कर दिया था। ठीक है, सो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हो, आप उनके आउटलेट पे जा सकते हो, आपको मैं ये अवेलेबल अभी भी होगा, आप बाई कर सकोगे। ठीक है, अच्छा अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो प्रॉपर। सो फर्स्ट मैंने एक शर्ट बाय की थी अपने लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ऐसा पीच, और क्योंकि मुझे चिकनकारी बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं खुद से भी डिज़ाइन करती हूँ शर्ट्स तो मैं तब भी चिकनकारी को प्रेफर करती हूँ इन समर्स। तो ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। मे बी आप लोगों को इतनी अट्रैक्टिव ना लगे या आप लोगों को उतनी अच्छी ना लगे। ठीक है, सो इसकी देखिए डिटेलिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी। ये वही आजकल लोग डिज़ाइनिंग जो करवा रहे हैं लूप्स और ट्रायंगल का। ठीक है, ये लेसेस में भी आया हुआ है आई थिंक, लेकिन ये कि कपड़े की वजह से इसमें काफ़ी नीटनेस आती है। और ये इसका जो है ना वो गला बना हुआ है। ठीक है, ये इसका फ्रंट है, इस फ्रंट साइड से ये ऑल ओवर चिकनकारी में। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये इसका बेसिकली बॉर्डर है। ठीक है, ये इसका बॉर्डर है, सही। आप इसको क्लोजर्स में देख लो कि ये इसका चिकनकारी का बॉर्डर है। ठीक है, मैं इसे अगर दिखाऊं, ये ऊपर लेस लगा हुआ है, फिर उसके बाद सिलाई लगी हुई है, और इसी तरह ही इसके चॉक्स पे भी लेस लगी हुई है। ठीक है, मींस के बड़ा अच्छा सा एक फिनिशिंग टच दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और अब ये देखें इसके चॉक पे, इसी तरह इसके बैक वाले चॉक पे भी लगा हुआ है, बैक से ये प्लेन है बिल्कुल। ठीक है, अब हम अगर आ जाते हैं इसके स्लीव्स पे, स्लीव्स इसके बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। आप ये देखो कि इसके वही चिकनकारी टाइप ही बना हुआ है ये सारा, और फिर उसके बाद इन्होंने ज्वाइंट लेस लगाई हुई है, फिर इसकी दूसरी लेस लगी हुई है, और एक दो दो सिलाइयाँ इन्होंने स्लीव्स पे दी हुई हैं, देन फिर ज्वाइंट लेस है, और फिर उसके बाद वही डिज़ाइन जो आपको गले पे मिल रहा था वही इन्होंने यहाँ पे। और ये इसी इसी स्टफ़ का है, ये कोई लेस नहीं है, बल्कि ये लूप्स और ये कपड़े के बने हुए हैं, इसलिए ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेलर से भी बनवा सकते हैं, और अगर आप बाय करना चाहें तो ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिकली गला, में जो आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ, ओवरलैप गला है जी ये। ठीक है, और ये इसकी लुक है, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत अच्छा लगा सो मैंने बाय किया। आपको अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर बाय करिएगा वहाँ से जाके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस। शर्ट है ये बेसिकली, क्योंकि ट्राउज़र और दुपट्टे आपके पास वाइट में बहुत अवेलेबल होते हैं, तो मैंने इसको प्रेफर किया कि मैं ट्राउज़र जो है वो कोई भी और चला लूँगी। लेकिन आई थिंक सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपने एक दिखाया भी था वाइट कलर का ट्राउज़र, सीन से आई थिंक मैंने बाय किया, तो वो मेरे पास है, तो मेरे इस पर चल जाएगा वाइट दुपट्टा। अच्छा, वैसे खुद से अगर आप बनवाना चाहो ट्राउज़र तो बनवा सकते हो, दुपट्टा तो हर एक के पास होता है, वाइट नहीं है तो आप शिफॉन का दुपट्टा लेके उसको लेस लगा लें, या कुछ भी पाइपिंग करवा लें, या पीको करवा लें, तो अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा ये जो शर्ट है अगेन अरसगुल अहमद से ही बाय हुए हुई है, मैंने अपनी सिस्टर के लिए बाय की है। ठीक है, ब्लैक के साथ बहुत ही खूबसूरत ये शर्ट है। ठीक है, फ्रंट से इसका बिल्कुल ऐसे वाली लुक है जैसे आपको भी लग रहा होगा कि ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ठीक है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है बेसिकली। ठीक है, मैं आपको इसका गला दिखा दूँ, ये इसका गला है जी, और ठीक है, और ये इसके गले के साथ इसमें, मतलब ये ऑल ओवर शर्ट है। ठीक है, ये इसका गला है और ये ऑल ओवर शर्ट है। ठीक है, और फिर हम अगर इसके स्लीव्स पे आ जाएं तो प्लेन स्लीव्स हैं, बैक भी इसकी प्लेन है बिल्कुल, और स्लीव्स पे ये आगे एक बॉर्डर सा लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसे लुक इसकी बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट सी थी, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था, सो आई प्रेफर कि मैं ये उसके लिए बाय करूँ, क्योंकि उसे भी अच्छे लगते हैं, मतलब इस तरह के वाइब्रेंट कलर्स। तो अच्छा, ये इसकी इसका दामन है जी। ठीक है, और दामन पे उसी तरह जो स्लीव्स पे बॉर्डर लगा हुआ है वही दामन पे भी लगा हुआ है इसके। ठीक है, ये और बैक साइड से मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये बिल्कुल प्लेन है, इसकी कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई भी बैक से। और मैं सॉरी आपको बताना भूल गई कि इसकी प्राइसेस क्या हैं। अच्छा, ये बेसिकली
जो ओरिजिनल प्राइस थी इसकी वो 2690 मीन्स के 2700 में, लेकिन ये मुझे जो मिला है वो आई थिंक सो के 1700 में, जो इसका ऑफ करके था, तो ऑलमोस्ट 1000 का डिस्काउंट है, जो नॉट बैड और अच्छा अच्छा डिज़ाइन है, और बिल्कुल ऐसे देखने में कि लुक जो है इसकी वो एम्ब्रॉयडर्ड है, लेकिन ये क्या है, ये प्रिंट में, सो लाइट वेट है। तो अगर आप बाय करना चाहो तो ये अवेलेबल है अभी गुलामेट की वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी। ये मैंने एक बाय किया था अपने भाई के लिए कुर्ता, ठीक है, ये मुझे 50% ऑफ से मिला था, गुल अहमद से ही है, और बड़ा इसका ऐसे डिफरेंस है, क्योंकि कई दफ़ा होता है ना जब ईद आती है तो आप वाइट ट्राउजर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो मतलब लड़के नॉर्मली पूरा उसमें नहीं पहन रहे होते ना, क्या कहते हैं, शलवार कमीज़ पूरे सीज़न में नहीं इतना पसंद करते, तो फिर कभी कभी जैसे ओकेजनस होते हैं या ईद होती है तो मतलब अच्छे लगते हैं कि आप मतलब इसमें ट्रेडिशनल सी ना कुर्ता शलवार ट्राउज़र के साथ आप कुर्ता पहन लेते हो, तो आई थिंक कि ये मैंने उस सेंस में सोच के तो मैंने बाय कर लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसका दूर से तो ये कलर है, लेकिन मैं आपको क्लोज में दिखा देती हूँ कि इसके ऊपर ना इस तरह करके अंदर से भी इस तरह था और बाहर से नहीं इस तरह थोड़ा सा सेल्फ प्रिंट में, और बुरा भी नहीं लग रहा, मीन्स कि जैसे वो एक शिमरी सी लुक होती है वो भी नहीं आ रही थी, और समर में ये कलर भी बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ। तो ये सिंपल कुर्ता है और इसके ऊपर वो कोई ऐसे एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई भी, और ये भी मुझे ऑफ़ में मिला था, वैसे ये 2500 का है, और ये मुझे ऑफ़ करके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1500 या समथिंग में इसी तरह ही मिला था, ठीक है। आप ये तो आपको शायद अवेलेबल नहीं होगा उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि ये जो है वो लास्ट ईयर का आर्टिकल था और ये एक ही था, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको मिल जाएगा, फिर भी आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जी ड्रेस था, ये अनस्टिच है, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो अनस्टिच पहनते हैं, वो स्टिच ड्रेसेस प्रेफर नहीं करते, तो सो ये उनके लिए मैंने ऑर्डर किया था, बहुत अच्छी कॉटन है, ठीक है, और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसकी प्राइस है जी आई थिंक सो ये 470 रुपीज़ पर मीटर है, लेकिन ये मुझे ऑफ पे मिला था, मीन्स कि ये 470 रुपीज़ का नहीं था, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो, ये उनकी प्रीमियम फाइन क्वालिटी में ये जी वो है, हाँ प्रीमियम फाइन क्वालिटी मेंस की जो है ये कॉटन, सॉरी। अच्छा, मैं इसको आप क्लोज में दिखा देती हूँ, ये देखें आप इसमें कितनी फाइन है, मीन्स कि इसकी बड़ी प्यारी सी एक लुक है और बड़ी नीट सी एक, और मैं आपको थोड़ा सा एक खोल के भी दिखा देती हूँ, अगर आप अपने भाई के लिए अब्बू के लिए बाय करना चाहें तो ज़रूर बाय करिएगा, ये बहुत अच्छा है, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा, और आप देख रहे हो शाइन, और गुल्ला में तो वैसे भी मेंस वियर में बहुत अच्छा है, मीन्स कि तो लाजमी आपको बाय करना चाहिए, अगर कभी आपका दिल कर रहा हो किसी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेने के लिए, तो देते रहना चाहिए गिफ्ट अपनों को, गिफ्ट देने से जो है ना वो थोड़ी सी कहते हैं ना मोहब्बतें बढ़ती हैं गिफ्ट देने से, तो गिफ्ट देने चाहिए, कोई मांगे मांग के तो सभी ले लेते हैं, लेकिन ये कि बगैर मांगे भी किसी को गिफ्ट देने से। अच्छा, नेक्स्ट मैं चल रही हूँ एक और शर्ट की तरफ, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, मेरा तो ये फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने तो देखते साथ ही इसको बाय कर लिया था, सो अगर आपको भी अच्छा लगे तो ये इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप ज़रूर बाय करिएगा, बहुत खूबसूरत कलर है और बहुत ही लाइट वेट है और बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ ये। अच्छा जी, ये है जी पर्पल शेड में, और ये ऑलमोस्ट ऐसा ऐसा है इसके गले पे, मीन्स के ये शॉर्ट बैन होता है ना उसके ऊपर इन लोगों ने इस तरह की सिलाइयाँ सी दी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी एलिगेंट सी किसकी लुक है, ठीक है, सो ये इसका शॉर्ट बैन है, देन उसके साथ पाइपिंग है, पाइपिंग के साथ जो है वो मोती दिए हुए हैं, और इसकी साइड्स पे ये कुर्ता है बेसिकली, ठीक है, लूज़ तो, और ये साथ में इन्होंने ये ऊपर से ही डिज़ाइन दिया हुआ है लेस का, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसके जो साइड्स पे ये डिज़ाइन है इस तरह का, मतलब ये आप अगर देखो तो ये इसकी
यहाँ से, ठीक है, मीन्स के जैसे वो कोटी स्टाइल होता है ना, उस तरह का डिज़ाइन दिया है। और ये इसका दामन है, दामन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ये इसका दामन है, ठीक है, और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और इसमें जो इन्होंने नीचे बीच में ये जो ब्रेक सा दिया हुआ है ना, मीन्स के कोई और कलर का कपड़ा लगाते हैं या पट्टी लगाते हैं, और फिर उसके बाद ये लेस दी हुई है, ज्वाइंट लेस, बहुत अच्छी लग रही। अच्छा, ये फ्रंट से ऐसा है और बैक से जी ये बिल्कुल ऑल ओवर एक जैसा है। स्लीव्स इसके बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, ठीक है, मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ इसका। ये इसके स्लीव्स बने हुए हैं, जैसे इसका दामन है ऑलमोस्ट वही इसके स्लीव्स पे भी है, ठीक है। ये इसके ज्वाइंट लेस लगी हुई है, उससे ऊपर इसके साथ यहाँ पे उन्होंने जो किसी दूसरे कपड़े की पट्टी लगाई हुई है, और फिर आगे इसके जो है ना वो सिलाई दी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप अपने किसी दूसरे कपड़े पे भी बनवाना चाहें तो भी अच्छे लगेंगे, कंट्रास्ट में कोई सा भी लेके कपड़ा लॉन का तो आप ये बनवा सकते हैं, ठीक है। ये जी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसकी प्राइस जो है वो, इसकी जो प्राइस है वो है जी 3,900, ठीक है, ये तो इसकी वो पे एक्चुअल प्राइस है, लेकिन ये मुझे जो ऑफ करके मिला था तो ये तकरीबन आई थिंक सो कि 2,600 या 2,700 का मिला था मुझे, मीन्स के बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट नहीं मुझे पता, एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ अगर तो नहीं, आई थिंक नहीं, ये इसका बिल नहीं है। तो आप ज़रूर उसके इसकी वेबसाइट पे चेक कर लें, या आप आउटलेट पे जाके चेक कर लें, तो आपको इजीली वहाँ पे प्राइस जो है वो मिल जाएगी, और बाय कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने लिए बाय करिएगा, अपने किसी सिस्टर के लिए बाय करना चाहते हैं या अपनी किसी फ्रेंड के लिए बाय करना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है। और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे मेरे घर वालों को अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, स्पेशली मेरी अम्मी की कुछ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज वो मेरे साथ वीडियो में भी नहीं है, वरना आपको पता है कि मैं उनके साथ डिस्कशन कर रही होती हूँ किसी ना किसी टॉपिक से रिलेवेंट, या वो मुझे कोई ना कोई जो है ना कपड़ों के रिव्यूज़ साथ साथ दे रही होती हैं। तो उनको ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को भी और पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बिल्कुल ठीक ठाक रखे, सेहत अता करे, और मेरे पेरेंट्स को भी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।